पापा पापा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा आज कौन सी कहानी सुनाओगे? बेटा मैं आज आपको ना राजा रानी वाली कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है। पापा डरावनी कहानी मत सुनाइएगा, फिर मुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आती। नहीं नहीं बेटा, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही अच्छी होगी, डरावनी बिल्कुल नहीं होगी, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है? ठीक है पापा। मैं आप कहानी शुरू करूं बेटा? हाँ पापा। एक राजा था, एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल निकला। तो जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता है, तब तक उसको एक हिरण नजर आ जाता है। तो हिरण का पीछा करने लगता है, हिरण भागने लगता है, हिरण का पीछा करने लगता है, हिरण भागने लगता है। भागते 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 हिरण कहीं गायब हो जाता है। राजा बहुत उदास होता है कि अरे कहाँ चला गया हिरण। बेचारा उदास होकर वापस आ रहा था, तो उसने एक पेड़ पे कुछ चिड़ियों को बात करते हुए सुना। चिड़िया कह रही थी कि रुक्मणी रानी बहुत खूबसूरत है, उनके जैसी कोई दूसरी रानी अभी धरती पे नहीं पैदा हुई है। राजा आश्चर्यचकित होकर पेड़ पे देखे, तो वो रुक के सोचे कि चिड़ियों से पूछूं कि वह रानी किस राज्य में रहती है। लेकिन उससे पहले ही चिड़िया सारी उड़ गई। पापा चिड़िया क्यों उड़ गई? चिड़िया बेटा इसलिए उड़ गई, उनको डर था कि कहीं राजा हम लोगों का शिकार न कर दे, इसलिए चिड़िया सब डर के उड़ गई। राजा लाचार होके थक हार के अपने राजमहल आया, अपनी माँ के पास गया, बोला माँ माँ माँ, आज मैंने पेड़ पे कुछ चिड़ियों को बात करते हुए सुना है। चिड़िया कह रही थी कि इस धरती पे सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो रुक्मणी रानी है। तो माँ क्या आप रुक्मणी को जानती हो? तो माँ बोली मैं नहीं जानती हूँ। फिर वो रानी राजा को बुलाई, राजा से पूछी कि राजा साहब क्या आप रुक्मणी रानी को जानते हो? तो राजा भी बोले कि मैं भी नहीं जानता हूँ। बोले राजकुमार आज जंगल में शिकार करने गए थे, तो कुछ चिड़ियों को पेड़ पे बात करते हुए सुना। पापा फिर क्या रुक्मणी रानी का पता चला? नहीं बेटा, रानी रुक्मणी का कोई पता नहीं चला। फिर वो राजा उदास रहने लगा, बहुत ही चिंतित हो गया, न खाता था न पीता था, बहुत परेशान हो गया। फिर उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी पिताजी मैं रानी रुक्मणी को ढूंढने जाऊंगा। पिताजी बहुत रोकने की कोशिश किए, लेकिन वो एक किसी की नहीं सुनी। तो उसकी माँ ने कुछ मिठाइयाँ बनाई और मिठाई बना के दे दी। राजा लेके मिठाई को निकल गया। ढूंढते ढूंढते दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन हो गए। वो न खाता था न पीता था, सिर्फ लोगों से पूछता था, कहीं पता नहीं चला। फिर वो सोचा कि माँ ने मिठाइयाँ बना के दी हैं। एक नदी के किनारे बैठा और सोचा कि क्यों न मिठाइयाँ खा के कुछ पानी पी लूँ। बेटा जैसे ही वो नदी के किनारे बैठा, तभी देखता है कि पापा क्या देखता है? फिर वो देखता है बेटा कि मिठाइयों में बहुत सारी चींटी पड़ गई है। राजा सोचा अब क्या मिठाई खाऊं, मिठाई वही नदी के किनारे पे छोड़ के और पानी पी के चलने लगा। तभी चींटियां सब बोली, राजा राजा आप बहुत दयालु हैं, अगर आप लोगों को कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम लोगों को बुलाइएगा, हम आपकी खूब मदद करेंगी। राजा बोला ठीक है, फिर निकल गया। राजा जाते 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 एक जंगल में गया। एक जंगल में गया तो देख रहा है एक शेर के पैर में खूब सारी चोट लगी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं, शेर चिल्ला रहा है। राजा उसके पास गया, बोला अगर तुम मुझे खाओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूं। शेर बोला नहीं भाई, हम आपको नहीं खाएंगे, हमारे पैरों से ये कांटा निकाल दिए। फिर राजा बैठ के शेर के पास। पापा राजा वहाँ पे बैठ क्यों गया? शेर तो बहुत खतरनाक होता है। राजा इसलिए शेर के पास बैठ गया बेटा क्योंकि शेर की मदद करनी थी, और शेर उसको क्यों खाएगा, क्योंकि
कि शेर ने तो खुद ही उसे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा भाई, मेरी मदद करो। तो बेटा जैसे ही बैठ के ना एक बड़ा सा कांटा चुभा था, उसको जैसे ही खींचता है शेर जोर से चिल्लाता है, तभी शेरनी उसके पास आ जाती है। शेरनी जैसे आती है तो सोचती है राजा कहीं शेर को मार तो नहीं रहा है। तो जैसे शेरनी झपटती है तब तक शेर बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये हमारी मदद कर रहे हैं, इनको मारना नहीं है। फिर उसके बाद अपना कांटा निकाल के राजा चलते बने। फिर शेर बोला, अरे रुको रुको भाई, कुछ मदद करनी हो तो बताओ। राजा बोले कि ठीक है, समय आएगी तो शेर जी मैं आपको बता दूंगा। यही कह के राजा वहां से चल देता है। तो पापा फिर क्या हुआ? तो राजा चलते 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 एक जंगल में जाता है। उस जंगल में जाते जाते उसको रात हो जाती है। फिर वो देखता है कि जंगल में एक कुटिया है, उस कुटिया के पास जाता है तो देखता है कि उसमें एक बूढ़ा है। बूढ़ा बहुत ही लाचार था। बूढ़ा ने बोला कि बेटा बेटा मेरी मदद करो, थोड़ा मुझे मेरी चारपाई पे सुला दो। राजा उठा के सुला देता है। तो बूढ़ा बोलता है कि बेटा मेरे पास कोई औलाद नहीं है, अब मैं आपको ही अपनी औलाद समझूंगा। बेटा मेरे पास ये तीन चीजें हैं, लेके जाओ, तुम्हारी मुसीबत में मदद करेंगी। राजा ने पूछा क्या है? तो बूढ़े ने कहा, एक कालीन है बेटा, इससे उड़ के कहीं भी जा सकते हो। एक तलवार है, ये इससे कोई भी पेड़ काट सकते हो बेटा। और ये झोला है, इससे कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर सुबह हुई, राजा तीनों सामान वहां से लेके निकल गया। फिर वो जादुई कालीन से बोला, कालीन कालीन मुझे रानी रुक्मणी के राज्य में लेके चलो। कालीन उड़ी और रानी रुक्मणी के राज्य में लेके आ गई। पापा पापा मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, आपको नींद आ रही है तो रात भी काफी हो गई है, जाके सो जाइए। ठीक है, बाकी कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा।